हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऊपर की तरफ फेंका गया बॉल 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, राइट, फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। तो हमें हाइट दे रखी है ये 20 मीटर, ये इस चीज को आप, ये नहीं है, ठीक है, यहां कुछ नहीं, कि हाइट सीधा बिल्डिंग एक दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल। अब अगर ऊपर फेंका गया है बॉल को, तो बॉल ऊपर जाके नीचे भी आएगी, राइट, ये डिस्टेंस तो मुझे दे ही रखा है। अब 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो ऊपर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर वापस ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और फिर ये करेगा, तो ए बी सी और डी। तो ध्यान से देखिए, जो ए बी है वो तो बी सी के बराबर वैसे ही होगा, और सी डी मुझे पता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पहले तो क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब ए बी मुझे पता है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के, क्योंकि जितना डिस्टेंस ऊपर जाने में लगेगा उतना ही वो नीचे ट्रेवल करेगा। सिमिलरली जो सी डी है वो हमें 20 मीटर दे ही रखा है। तो एक्चुअल में बस निकालना क्या है, कि ए बी हमें निकालना है और ऐड कर देना है। तो ध्यान से देखिए, तो ए बी, तो केस वन अगर हम लें ए बी वाला, ए बी का, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी देखिए सबसे ऊपर जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो 10 वेलोसिटी है तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि अगर ये 9.8 होती तो 9.8 लेते। सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमें निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला, टाइम की कोई बात नहीं हो रही, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वैसे हमें डायरेक्टली ही पता है इसका आंसर 5 मीटर ही आएगा, बट फिर भी हम कैलकुलेशन से ही निकाल रहे हैं। मैक्सिमम हाइट वाले फॉर्मूले से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस, अरे सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इसको डायरेक्टली आप एच मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 2 इंटू 10, तो ये भी 5 मीटर आएगा, राइट। और जो ग्राफ है उससे भी आप निकाल सकते हैं, जो मैंने ये वाला बता रखा है, तो उसमें क्या है कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से बॉल ऊपर जाती है तो वो जीरो होने में कितना टाइम डिस्टेंस लेती है, 5 मीटर, राइट। तो हेंस ये वाली सारी चीजें हमें क्लियर है। तो 5 मीटर आप तीनों में से किसी भी चीज से निकाल सकते हो। तो अब मेरा ए बी जो आ गया वो 5 मीटर आ गया, ए बी जो आ गया हमारे पास 5 मीटर आ गया। नाउ ए बी 5 मीटर है तो बी सी तो 5 मीटर अपने आप हो जाएगा, और सी डी मेरे पास 20 मीटर दे ही रखा है। तो हेंस जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 20 एंड इट बिकम्स 30 मीटर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल कहा है, उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा। अगर उसने इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला होता, तो ध्यान से देखिए, बॉल ऊपर से कहां जा रही है, नीचे, जिस पॉइंट पे छोड़ते हैं उसको ओरिजिन मानते हैं। तो ओरिजिन से बॉल फाइनली कहां जा रही है, नीचे, नीचे कितना, 20 मीटर। तो अगर इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट बोला होता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वुड बी -20 मीटर, क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ गई है, राइट। नाउ इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या टाइम भी पूछा जा सकता था, हमसे क्या ये पूछा जा सकता था कि फाइंड आउट द टाइम कि वो बी से डी, टोटल जो ए से बी और बी से डी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्या ये भी पूछा जा सकता था। तो सबसे पहले अगर हम ए से बी का डिस्टेंस निकाले, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे पेज अभी खत्म हो गया, तो मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करके आप लोगों को क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि वापस से एक बॉल है 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी गई है, बॉल ऊपर गई और नीचे आई, राइट, ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दे रखा है। अभी हमने पीछे निकाल लिया कि ये हमारा 5 मीटर आ गया था, हमारा बाय कैलकुलेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है। इस पॉइंट को हमने ए माना था, इसको बी माना था और इसको सी माना था। तो अगर मैं केस वन लेता हूं, मुझे क्या निकालना है कि टोटल टाइम निकालना है ए से बी और बी से सी पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो ए से बी पहुंचने में केस वन के अंदर अगर मैं देखूं, केस वन मैंने ए से बी माना है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि बी पहुंच के फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम निकालना है तो सीधा सीधा हमारा वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी आ जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू प्लस 10 प्लस माइनस 10 इंटू में टाइम,
माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस टेन इज इक्वल टू प्लस टेन टी इज इक्वल टू टेन, टेन से टेन कट जाएगा, तो हैंस जो टी आ जाएगा वो वन सेकेंड आ जाएगा, राइट। तो ए से बी जो टाइम पीरियड होगा, इसको मैं टी वन टाइम मान लेता हूं, वन सेकेंड हो गया। अब केस टू लेते हैं, केस टू में जो हमारा बी से सी है इसमें टाइम कितना लगेगा, तो ध्यान से देखिए जो टोटल हाइट है वो क्या 25 मीटर दे रखी है, तो 25 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है 25 होगा, बॉल नीचे की तरफ जाएगी तो माइनस 25 मीटर होगा। इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है जीरो है, तो टाइम निकालना है अब हमें, एक्सेलरेशन हमारा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ही, राइट। तो क्या हो सकता है ध्यान से देखिएगा, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस 25 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस 25 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए टू से ये कटेगा तो माइनस 5 आ जाएगा, तो माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5 टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा 5, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो टी आ जाएगा रूट 5 सेकेंड, और टी आ जाएगी वैल्यू 2.23 सेकेंड्स। तो ये टाइम है इसको नीचे जाने के लिए, तो ये टी टू ले लेंगे क्योंकि सारे केस टू हमने बात करी थी, तो इन सबके आगे टू लगा देते हैं ताकि हम लोगों को ध्यान रहे, ठीक है। तो हमारी टी टू की वैल्यू आ गई, आप टी टू के लिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी वन प्लस टी टू, तो टोटल टाइम ऊपर जाने में लगा 1 सेकेंड, नीचे आने में 2.23 सेकेंड्स, तो आंसर क्या हो गया 3.23 सेकेंड्स, एंड दिस इज आर आंसर, राइट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।